नमस्कार, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 29 जिलों के 137 गांव में चकबंदी के लिए हरी झंडी दिखा दी है। आपको बता दें कि 51 गांवों में पहले और 86 गांव में दूसरे चक्र की जो चकबंदी है वो होगी। इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया है और इस संबंध में मुख्यमंत्री ने गांव में पुनः चकबंदी कराने के लिए सभी तथ्यों की जांच कराकर नए प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। चकबंदी आयुक्त की ओर से जल्द ही संबंधित जिलों के जो जिलाधिकारी है, जिला चकबंदी जो अधिकारी है, उन्हें प्रथम और द्वितीय चरण की चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ करने के आदेश जारी किए जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम 1953 के तहत पुराने गांवों में तो चकबंदी प्रक्रिया जारी है, लेकिन नए गांवों में जो नए गांव हैं उनमें पुनः चकबंदी कराने के लिए लगातार मांग उठती रही है। इसी संबंध में मुख्यमंत्री ने गांव में पुनः चकबंदी कराने के लिए सभी तथ्यों की जांच करा इस बाबत नए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। अब आपको बता दें कि चकबंदी आयुक्त कार्यालय में लंबित पड़े लगभग 800 प्रस्तावों की कर्मियों को स्वीकार कर उन्हें मुख्यमंत्री की स्वीकृति के लिए भेजने की भी तैयारी चल रही है। बता दें कि यूपी के 29 जिलों के करीब 137 गांव में चकबंदी कराई जाएगी। इन जिलों को ये सौगात मिली है, जिनमें बरेली, बस्ती, बदायूं, बलरामपुर, कानपुर देहात और मुरादाबाद, बिजनौर, रायबरेली, रामपुर, संत कबीर नगर, सोनभद्र, देवरिया, वाराणसी, जौनपुर, गोंडा, प्रयागराज, बुलंदशहर, मऊ, मथुरा, मैनपुरी, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अमरोहा, अलीगढ़ और गोरखपुर और गाजीपुर जैसे नाम शामिल है। अब जब इन सभी जो चकबंदी होने हैं उसके बारे में जब हमने किसान नेता से बातचीत की तो क्या कुछ उनकी राय थी वो भी सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार का एक फैसला आया है जिसमें कुछ जनपदों में 135 गांव के आसपास चकबंदी कराने का निर्णय लिया गया है। किसान हित में यह फैसला देखा जाता है और हम इसका स्वागत करते हैं। चकबंदी जहां जहां होती है वहां पर किसान को रास्ते मिलते हैं, पानी के लिए नाली मिलती है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जमीन दबी होती है और कोर्ट में मुकदमे चले होते हैं और तमाम चीजें होती है जिनको पता नहीं होता कि मेरी जमीन है कि नहीं है, वो भी निकल कर आती है। बहुत सारे विवाद भी इसमें खत्म होते हैं, लेकिन चकबंदी विभाग इसको टाइम से कराए और सही तरीके से कराए। कुछ गांव में ये भी देखने को मिला है कि चकबंदी काफी समय से चल रही है, जैसे शामली जनपद का गांव कुडाना है, वहां पर करीब 35 साल से चकबंदी चल रही है। ऐसा ना हो, इसका एक समय निश्चित हो और 2 से 3 साल के अंदर चकबंदी सुनिश्चित कर आम किसान को राहत देने का काम किया जाए। अब आपको बताते हैं कि चकबंदी क्या होती है और इससे किसानों को कितना फायदा या फिर नुकसान होता है। भारत को गांव का देश कहा जाता है और आज भी देश की लगभग 65 से 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। गांव में रहने वाले लोगों की जीविका का मुख्य साधन कृषि है और देश की निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या और परिवारों के विभाजन के कारण खेतों के जो आकार है वो छोटे होते जा रहे हैं, जिससे फसलों के उत्पादन क्षमता काफी कम होने के साथ खेती करने में भी अनेक प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि किसानों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर भी विवाद की स्थिति बन जाती है। किसानों को इस प्रकार की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए सरकार के द्वारा चकबंदी कराई जाती है। चकबंदी क्या होता है यानी चकबंदी का कानून, अधिनियम और नियम के बारे में भी आपको पूरी तरीके से यहाँ जानकारी देंगे। चकबंदी क्या होती है? चकबंदी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक चक और बंदी, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें चक का मतलब होता है खेतों और बंदी का मतलब होता है बंदोबस्त करना, अर्थात छोटे छोटे भूखंडों को मिलाकर एक बड़ा भूखंड या खेत तैयार किया जाता है। दरअसल चकबंदी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसानों के इधर उधर बिखरे हुए खेतों को उनके आकार के आधार पर उन्हें एक स्थान पर करके एक बड़ा चक बना दिया जाता है। इससे किसानों को खेती करने में आसानी के साथ ही उनके चकों की संख्या भी कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं कि यदि किसी किसान के छोटे छोटे खेत अलग अलग और कुछ दूरी पर है तो उनके अलग अलग खेतों के आकार के आधार पर उन्हें किसी एक स्थान पर उतनी ही भूमि देना चकबंदी कहलाता है। इस प्रकार चकबंदी एक परिवार के बिखरे हुए खेतों को एक स्थान पर करने की प्रक्रिया है, परंतु चकबंदी प्रक्रिया में कृषक को उसी स्थान की भूमि मिलना संभव नहीं होता। जैसे उनकी भूमि जो भूमि है
वो अलग अलग स्थानों पर थी। चकबंदी के दो प्रकार के होते हैं, जो चकबंदी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है ऐच्छिक चकबंदी। ऐच्छिक चकबंदी का मतलब ऐसी चकबंदी जो किसानों की सहमति अर्थात कृषकों की इच्छा पर निर्भर होती है। दूसरे शब्दों में किसानों की इच्छा से होने वाली चकबंदी को ऐच्छिक चकबंदी कहते हैं। इस प्रकार की चकबंदी कराने के लिए किसानों पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाता और ये सबसे बड़ा लाभ इस चकबंदी का होता है। दूसरी होती है, अगर हम बात करें तो दूसरी जो चकबंदी है उसके उसमें अगर बता दें कि भारत में मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में ऐच्छिक चकबंदी कानून आज भी लागू है। अब दूसरी है अनिवार्य चकबंदी, यानी कि कानून चकबंदी उसे कहते हैं। अनिवार्य चकबंदी का आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें किसानों को अनिवार्य रूप से चकबंदी करानी पड़ती है। इस प्रकार की चकबंदी में काफी समय लगता है, इसके साथ विवाद होने की संभावना काफी अधिक होती है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश को छोड़कर नागालैंड, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय में चकबंदी से संबंधित कोई कानून नहीं है। इन राज्यों के अलावा अन्य सभी राज्यों में अनिवार्य चकबंदी कानून लागू है। अब इसका उद्देश्य क्या है वो भी आपको समझाते हैं। कृषकों की विभिन्न स्थानों पर बिखरी हुई भूमि को किसी अन्य स्थान पर एक बड़े चक अर्थात खेत में परिवर्तन करना चकबंदी प्रक्रिया के माध्यम से किसानों के खेतों की संख्या कम होने के साथ ही उन्हें कृषि कार्य में काफी सरलता होती है। कृषकों के खेतों का आकार बड़ा हो जाने से वो कृषि संसाधन का भी जो है प्रयोग कर पाते हैं, जिसका सीधा प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ता है। गांव में अक्सर लोग दूसरे या कमजोर लोगों की भूमि पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग गांव की सार्वजनिक भूमि पर भी अवैध रूप से काबिज हो जाते हैं। चकबंदी होने पर इस प्रकार की भूमि को अवैध कब्जाधारों से मुक्त करा लिया जाता है। इससे सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसानों के बीच विभिन्न प्रकार के आपसी विवाद कम हो जाते हैं। अब चकबंदी के लाभ क्या क्या है वो भी आपको बताते हैं। खेत का आकार अधिक हो जाने से जो औसत उत्पादन की लागत है वो घट जाती है। कानूनी रूप से चक बनाए जाने के कारण भूखंडों की जो सीमा है उसको लेकर उत्पन्न होने वाले जो विवाद है वो खत्म हो जाते हैं। छोटे छोटे खेती की जो मेड़ों में भूमि बर्बाद नहीं होती और बड़े चक के रूप में खेत का आकार बड़ा हो जाने के कारण इसमें जो आधुनिक उपकरण है जैसे ट्रैक्टर आदि का इस्तेमाल आसान हो जाता है। एक स्थान पर भूमि को जाने के कारण जो कृषि उचित देखभाल उसकी संभव हो जाती है और चकबंदी में अक्सर किसानों को छोटे छोटे खेतों के टुकड़े के बदले कुछ जमीन के अनुसार एक बड़ा खेत मिल जाता है। कई बार किसानों को उनके बिखरे हुए खेतों के बदले दो या अधिक चक आवंटित किए जाते हैं जो चकबंदी उद्देश्यों के खिलाफ है। किसानों का पैतृक भूमि के प्रति लगाव मुश्किलें खड़ी कर देता है और किसानों की बिखरी हुई अलग अलग उर्वरकता होने वाली है जिसकी वजह से उनकी कीमत अलग अलग होती है।